और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? अब देखो यार, मेरी जो आईडी है, एक दिन के लिए उन्होंने बैन कर दी है। रीज़न दिया कि तुम टीम अप कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है यार, मेरे फैंस मिलेंगे तो उनसे थोड़ी बहुत बात करूंगा और चला जाऊंगा। चलो ठीक है, वो भी अब क्या बोलूँ, आप लोग अगर टीम अप नहीं करता, मैं बंदों से मतलब बात नहीं करता, तो आप लोग बोलते हो कि यार तू बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है, तू तो टीम अप भी नहीं करता अपने टीम फ्रेंड से। मैं बोला यार ये भी सही है यार, क्या हो रहा है, मतलब टीम अप करो तो दिक्कत, टीम अप ना करो तो दिक्कत, मतलब हर चीज़ से दिक्कत है। एंड अगर ऐसा रहा ना, देखो एक चीज़ बताता हूँ, मेरी आईडी को अगर खोलोगे तो आज आज के लिए बैन है, कल वापस से 3 बजे तक खुल जाएगी मेरी आईडी। उन्होंने बोला ये चीज़ रीज़न दिया, देखो बैन कर दी मेरी आईडी को भाई इन्होंने। एंड जब मैंने पूछा कि भाई क्या रीज़न है, यही बोला टीम अप किया तुम लोगों ने। हाँ मुझे मालूम है, टीम अप मैंने किया था, मतलब टीम अप नहीं, वो सारे बंदे मेरे पे ही चढ़ रहे थे, तो एक ही घर में करीब 3-4 स्क्वाड भरी हुई थी। तो अब मैं क्या करूँ भाई, वहाँ से निकलूँ तो मारेंगे, अगर ना निकलूँ तो घुस रहे हैं मेरे पे बंदे, और ऊपर से एक दो बंदे और टीम अप कर रहे हैं, उनको वो मेरे को मारने, तो मैं उनको कैसे मारूँ। ये चीज़ थी ठीक है। एंड उसके बाद अभी मैं एक चीज़ और पूछूंगा इन लोगों से भाई, ये टॉप पे जो बंदे इतने सारे हैकर वैकर बैठे पड़े हैं यार, इनसे ये बैन नहीं हो रहा, और टीम अप मतलब मैंने टीम अप के लिए बैन दे दिया, मतलब कुछ भी कहीं की भी लॉजिक लगाओ, मतलब यार ऐसा रहा ना तो जल्दी ये गेम में कोई खेलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा ऐसा ड्रामा रहा तो कसम से। काफ़ी देर से मेरे को बहुत सारे मैंशंस आ रहे थे कि अभी जो ये बैरल एक नहीं आई हुई है, उसका स्मोक कर रहे ना तो ग्लिच हो जा रहा है, और बंदा अपने आप तेज़ भागने लग जा रहा है, उनका 10 साल की आईडी बैन हो जा रही है। भाई साहब, खुद गेम में ग्लिच चला रहे हो, हर चीज़ तुम खुद कर रहे हो, और बैन हमारी आईडी हो रही है, मतलब तुम हर चीज़ करो भुगते हम, है ना। ये देखो इसकी आईडी, ये बंदा, बंदे ने 56 किल किया, ज़्यादा थोड़ी है इस, 56 ही तो किल है, ज़्यादा थोड़ी है। नीचे देखो मोस्ट फिनिशेस 56 है भाई, ये बंदा टॉप पे बैठा है, बैन हुई नहीं रही इसकी आईडी, ठीक है। एंड मैं अपने दिखाता हूँ, मैंने अपने गेम प्लेस के लिए खेला, मेरी आईडी में हर चीज़ है, पबजी पार्टनर तक है, पबजी पार्टनर, ये देखो बीजीएमआई पार्टनर, ठीक है, सॉरी पबजी की जगह इतनी समझ जाना कि जब जब मैं पबजी बोलूँ तो बीजीएमआई समझना, मुंह से निकल जाता है, बीजीएमआई पार्टनर, मिथिक पर्सन, हर चीज़ है। एंड बीजीएमआई से ऑफिशियल से मेरी बातें मैं दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ थी, एंड मेरा गेम प्ले भी दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे को बैन कहने हैं लोगों ने, मैं वो चारा चीज़ दिखाऊंगा। मेरी भी 11 बार एक एडी चल रही थी, क्योंकि भाई अपने को ज़्यादा मैच मैंने खेले नहीं थे इतने कुछ, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता, दिन भर मैं बाहर रहता हूँ, आके कुछ मैच एक दो खेलता हूँ, उसमें भी आके हैकर मार जाते हैं, और कई बार तुम हैकर से बोलते भाई रहन दे यार, क्या एक दो मैच खेल रहा, उसमें भी तुम आके मार के चले जा रहे हो, क्या बोले अभी यार। एंड चलो आपको मैं वो प्रूफ दिखाता हूँ जिसमें मेरे को इन्होंने बैन किया, पहले इनकी चैट दिखाता हूँ जो मेरे को ऑफिशियल के साथ मैंने करी ना चैट, ये देखो ये मेरी ऑफिशियल के साथ चैट थी, यहाँ पे मैंने इनको बोला भाई क्या मजा आके मेरी आईडी फिर बैन कर दी तुम लोगों ने, तो बोला कोई रीज़न होगा। मैंने बोला क्या रीज़न है भाई मेरे को ये बताओ, मैंने गुस्सा में बहुत था भाई, मैंने इनसे बोला रीज़न क्या है, मतलब लाइव खेला हूँ, लाइव में प्रूफ है मेरे पास, तुम लोगों ने बैन क्यों करी, तो बोला कि सेंड मी सेंड आईडी नंबर, मैंने बोला लो ये आईडी, और आईडी अनबैन करो प्लीज़, क्योंकि आईडी टॉप पे है, और वैसे ही लोग हैकर बोलते हैं, अभी भी बहुत लोग, अभी बहुत सी वीडियोस बन जाएंगे मुझे मालूम है, तुम्हारे भाई ने ना हैक कभी छुआ है ना कभी छुएगा। और ये जो टीम अप बैन पड़ा है ना भाई क्या बोले अब आपको, वो भी प्रूफ दिखाता हूँ, देखो ये देखो यहाँ पे मैं लाइव का प्रूफ है मेरे पे, हम लाइव में खेले, थोड़ी क्वालिटी लो है, सॉरी। ये देखो भाई वो मिनी मिनी लेके सब बैठे अपने ऊपर ही, इतने सारे बंदे एक ही घूम, मैंने गुस्से में बोला मारने जा रहा हूँ मैं सबको, उतने में देखना सारे बंदे रूम बनाया था काल भाई ने, लाइव स्ट्रीम देख के सब बंदे एक जगह आ गए, बोला भेज दिया फेक गया, गया इधर से, मेरे को टीपी मिल जाना, मेरे को पैनिक रूम में गया, अब मैं घुसता हूँ, अरे आया मारो मारो, मेरा टीममेट देखो किसी और ने नॉक किया, अरे और मारा। अब यहाँ पे इतने ज्यादा बंदे हैं, इतने ज्यादा बंदे हैं, सब के सब यही है, नॉक किसी ने किया, फिनिश किसी और ने मेरे टीममेट को कर दिया, देखो किसी और ने मार दिया उसको, मैं बोलता भाई इतने बंदे क्या कर रहे हैं यार, टीम अप क्यों कर रहे हो, मत करो, मेरी आईडी बैन हो जा रही है तुम्हारी वजह से यार, क्यों कर रहे हो यार, उसे बोलो ऊपर जाके लेट जा, बाद में जब मार लेंगे ना तो वो मारे, मैं बोलता हूँ भाई ऊपर जाके लेट जा, बंदे को बोल दो बाद में बात करेंगे उससे, सारे यही भाई यार, क्या यार ये रूम थोड़ी होता है, ऐसे कौन खेलता है, सारे टीम अप आ जाएंगे। एक और बगी आ गई थी, आपको आवाज़ आई बगी की, एक और बगी आ गई यहाँ पे भाई, अब मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँ किसी बंदे को कि भाई टीम अप मत करो तो दिक्कत है भाई, कि भाई अपने मतलब फैंस को तो मारता है, अबे फैंस हो तो ठीक है यार, फैंस आप रहो अच्छी बात है यार, गेम में मत मिला करो भाई, गेम में मिलो मत, आप लॉबी में आके मिलो, मेरे से रिक्वेस्ट अगर नहीं मिल रहा तो किसी के थ्रू मिल जाओ, अगर बात करनी इतनी इंपॉर्टेंट है तो बात करो यार सॉरी क्योंकि अब देखो मेरे पे भी इतना टाइम नहीं रहता कि मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी, मेरे को भी बहुत टाइम लग जाता है यार, गेम प्लेस बनाना, फिर रात में आना, मतलब बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं आके गेम प्ले बनाता हूँ, अगले दिन पोस्ट करता हूँ सुबह सुबह उठ के, एंड वापस मतलब ऐसी मज़े में मतलब कुछ कुछ करना होता है मेरे को निकल जाता हूँ। एंड रिसेंटली अभी घर भी पूरा शिफ्ट किया, छोड़ यार वो तो बात ही बात रही, आप लोग पूरा देखो कहाँ पे बैन हुआ, मैं इनसे बोलता भी भाई इन लोगों को भगाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत आगे पीछे घूम रहे हैं, टीम अप कर रखा था, सब आ जाओ भाई सब आ जाओ, बोला मरो सब यहाँ के, मैं बोला कि सारे यहीं क्या कर रहे हो, देखो पीछे एक और आया, नेड़ा
अब वो बंदा भी टीम अप कर रहा था हमसे। अबे मेरा किल कोई और ले गया, जोन में मैंने उसे मारा। अपन जोन में मरेंगे, निकलना देखना। नीचे एक और बंदा, वो भी टीम अप कर रहा है हमारे साथ। और भी मारेंगे ना, चिंता कर रहे हो। इतने सारे बंदे हैं ना यहाँ पे, देखो क्रेट से आप समझो कितने बंदे मारे हो। अब ये भी टीम अप, गलती से मार दिया। लेकिन अब देखना तुम, बस ये देखते जाओ देखते जाओ, तुम देखते हो क्या हो। ये मैंने लूटा, ओके क्यों मैसेज कर रहा है ये। और ये मैं यहाँ लेटा बैन। अबे ये टर्मिनेटेड बिकॉज़, अबे बैन हो गया, हैकर आया था एक। अरे मैं बैन हो गया, मैं हो गया बैन। अरे हाँ तुम, अबे क्या चूतिया गेम है भाई कसम से। खैर सॉरी अगर मेरे ईयरफोन्स लगाने के लिए सॉरी अलर्ट नहीं दिया, बट देखो गाइस अब बहुत हो गया इस गेम का। मैंने इनके ऑफिशियल से ही बात करी, उन्होंने बोला कि सॉरी, मतलब सॉरी और ही नहीं बोला, बस बोला कि हम आपको कैप्टन को आपकी आईडी दे दे रहे हैं, आपकी आईडी आई थिंक कल तक वो अनबैन कर देंगे। मैंने बोला ठीक है अनबैन करो, बट यार बैन करना ही क्यों है मेरे को ये बताओ ना। टीम अप तो अब मैं नहीं करने वाला, जो भी भाई देख लो यार, मैं सामने से बोला अब टीम अप मैं नहीं करूँगा सही में। अब कोई भी टीम अप करेगा मैं मारूंगा भाई, मिलना लॉबी में आके मिलो मेरे से, या फिर मैं रूम तो बनाऊंगा भी तो टीम अप नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया भाई, जितना आप लोग अच्छा ही दिखाते हो ना। अभी एक चीज़ और, काफ़ी लोग मेरे को हैकर वैकर बोल रहे हैं, इतने दिन से मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार शांत रहो यार, क्या दिक्कत है, क्यों क्यों किसी से पंगे लेना। क्योंकि इतने लोगों के चुल तो मस्ती रहती है, पीछे लगे रहते हैं भाई कि कब कुत्तों की तरह, मतलब पीछे लगे रहते हैं कब मैं कुछ गलत करूं, और कुत्तों की तरह पीछे लगे रहते हैं कब मैं मेरे से कुछ गलती हो और ये लोग वीडियो बनाते हैं। एक तो ये गेमिंग कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती भाई, सपोर्ट की जगह हेट फैलाती है। और कोई बंदा अगर नया ऊपर आया टॉप पे तो इसकी जगह पता है सब ने हेट फैलाई, तेरी औकात नहीं है, तू ऐसा आई कर नहीं सकता ये वो। अब यार थोड़ा तो माइंडसेट चेंज करो अपना, थोड़ा तो चेंज करो अपने आप को। जो वहाँ पे आज मैं हूँ, कल के यहाँ पे कोई और आ गया तो अच्छी बात है ना भाई, बंदा ऊपर आ रहा है। तुम लोगों में पता है काफ़ी लोग मतलब हेट फैला रहे हैं, अरे ये ऐसा है वैसा। अबे यार क्या बोलूँ मैं, सही में ये टाइटल लेने के बाद भी ना मुझे अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई यार मुझे तो सपोर्ट मिलेगा, पर ये जो गेमिंग कम्युनिटी है ना भाई, बोलते टॉक्सिक ऑडियंस ये वो, भाई इसी वजह से टॉक्सिक ऑडियंस बन जाती है। अब मेरे को दिमाग ख़राब होता है तो मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें बोल देता हूँ मुँह से जो निकलती हैं, बट यार कंट्रोल कर रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे नहीं करनी किसी से, कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं है। जिसको जो करना है करो यार, कुत्तों की तरह भौंकते रहो, नहीं फ़र्क पड़ता अपने को। बस एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है घर पे, मतलब छोड़ो यार क्या ही बोले। बस यार बीजे में से जो भी मैंने कांटेक्ट किया, मैंने आपको सामने दिखाया, इनसे जो भी चीज़ मैंने बातें करी, ये सारी आपके चैट्स दिख रही होगी यहाँ पे सामने, इनसे बोला कि भाई मजाक है क्या भाई, आईडी वाईडी तुम बैन कर रहे हो, हैशटैग वन पे आईडी है तुम उसको ही बैन कर दे रहे हो, क्या रीज़न है। देखो आपके सामने सब चीज़ बातें करी है मैंने, देखा मैं, और इन्होंने पूछा रीज़न क्या, तो मैं बोला कोई रीज़न नहीं था, लाइव खेला था, लाइव में बैन हुई, पूरा प्रूफ है। और वहाँ पे मैं गया तो पता नहीं लाइव ही हट गया भाई, पता नहीं क्या है ये, बट मेरे वो रिकॉर्डिंग बच गया ना। देखो इन्होंने पता नहीं किस वजह से मेरे वो लाइव हट गई है भाई अपनी आप, तो वो रिकॉर्डिंग अच्छा हुआ मैंने करके रख ली थी पहले जब मेरे बैन हुआ था। देखो आपको सामने दिखा रहा हूँ ये बैन, सब आ जाओ भाई सब आ जाओ यार। अब कुछ नहीं बोलना यार, कोई वर्ड्स नहीं यार बीजीएमआई वालों के लिए यार, इनसे हैकर बैन नहीं हो रहे तो अब जो रियल प्लेयर्स हैं उनको बैन करने में लगे पड़े हैं यार। सॉरी अगर ईयरफोन्स लगाने के बाद नोटिस नहीं दिया था, बट यार बहुत ज़्यादा गुस्सा था सही में यार। एटलीस्ट जो बंदा ऊपर आ रहा है एटलीस्ट यार कुछ मत करो, अगर आपको नहीं हो रहा तो कुछ सपोर्ट ही मत करो, बट यार प्लीज़ हेट मत क्या करो यार। एक बंदे को डीमोटिवेट कर, मेरे को कितना डीमोटिवेट करा ना बंदों ने कि तू ऐसा है वैसा है, कितना डीमोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा किया, फिर भी चुप रहा मैं, बिल्कुल अभी भी नहीं बोलता भाई ना, मुझे कॉन्ट्रोवर्सी से आगे बढ़ना है, अभी इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी मेरे सामने, मैं आगे बढ़ जाऊँगा भाई, कौन क्या उल्टा सीधा मेरे को बोल देता लाइव में ही भाई, मैं चुप रहो यार, नहीं कॉन्ट्रोवर्सी से बढ़ना मेरे को आगे। कॉन्ट्रोवर्सी से बढ़ना होता तो कितनी जल्दी मैं मिलियन खींच देता, बट लगा पड़ा ना कि भाई मैं अपने काम से आगे जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा भाई कॉन्ट्रोवर्सी से। खैर कोई नहीं यार, कल तक आईडी वापस अनबैन होती है, खेलते हैं फिर देखते हैं यार। अभी तो मन ही हट गया भाई इस आईडी पे खेलने का भाई, कसम से इतना मूड ऑफ कर दिया ना यार। यार सॉरी गाइस अगर उल्टा सीधा मैंने बोला, सॉरी दिल से, बट यार प्लीज़ एक चीज़ बोलूँगा, रिक्वेस्ट है जो भी करो अपने मन से करो भाई। ये बीजीएमआई जो है ना, अब मुझे लग रहा ज़्यादा दिन तक रहेगी, अगर ऐसे ही अगर बैन पड़ता रहा ना लोगों को, ज़्यादा यूट्यूबर्स को या फिर किसी भी अच्छे प्लेयर्स को बैन पड़ता रहा, जल्दी गेम खत्म हो जाएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि इनसे हैकर, ये सारे हैकर, और टॉप में सारे हैकर हैं, कुछ कुछ एक दो बंदे ठीक हैं, सारे हैकर बड़े बड़े सारे। अब तुम टॉप वाले को मैंने केडी दिखा दी, तुम्हारे को इसकी आईडी दिखा दी मैंने, देख लो भाई 56 बंदे मारे, अब क्या बोले भाई इस बंदे को मैं। खैर गाइस कोई वर्ड्स नहीं मेरे को इस चीज़ के लिए, बस इतना ही बोलूँगा मूड खराब बहुत कर दिया इन लोगों ने, क्या बोले यार। आप लोग भी जाके चेकआउट कर लेना गाइस आईडी, कल वैसे वापस से अनबैन हो जाएगी, जो बैन दिखा ना कल वापस से अनबैन हो जाएगी, इन्होंने बोला मेरे को
इनसे बात करते हैं, उन्होंने बोला कि अनबैन हो जाएगी आईडी, तो देखते हैं गाइस कल अनबैन हो जाती है तो वापस खेलते हैं। एंड एक चीज़ और गाइस, 300 मिलियन पॉपुलेटिस हमने करी, वो भी BGMI में सबसे पहले। सो इस सब में ना आप सभी का प्यार था, आप सभी का सपोर्ट था। एंड काफ़ी लोग मेरे को ये बोलते हैं कि तू पॉपुलैरिटीज़ खरीद के लिया है। मेरे प्यारे भाई अब सुनो, मैं सबको रिप्लाई करूँगा, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। पहली बात, काल मेरा फ्रेंड है और इसका कब से फ्रेंडशिप है, मेरे से बहुत पहले से फ्रेंडशिप है, ओके। एंड काफ़ी लोग बोलते हैं कि काल अभी भी इसके साथ है। अबे तुम्हारे जैसे पागल ऐसे फ्रेंड उल्टे सीधे फ्रेंड नहीं बनाते ना हम, हम बनाते जो फ्रेंडशिप चले तुम्हारे जैसे, यानी कि आज इस बात पर लड़ाई हुई तो कल को फ्रेंडशिप ख़त्म। हमारा ऐसा नहीं होता भाई, तुम बच्चों वाली हरकत करोगे, हम बच्चे नहीं हैं अभी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये, टॉक्सिक नहीं जानता मैं इतना ठीक से, हर्ष भाई को मैं जानता हूँ। जब मैं BGMI में जब एंटर हुआ ना, तो सब लोग धीरे धीरे मेरे को पॉपुलैरिटीज देते गए। मैंने किसी से मांगा नहीं इनमें जाके कि भाई मेरे टॉप पे आओ, मेरे को पॉपुलैरिटीज दो, किसी से कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ इतना बोला कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरे फ्री वाले जो पॉपुलैरिटी देगा उससे बहुत खुश हूँ मैं, मुझे ना प्लेन चाहिए ना कुछ चाहिए। लोगों ने अपने से दिया, खुशी से दिया, मैंने बोला ठीक है थैंक यू जितने लोगों ने दिया। बट देखो काल को सिर्फ जानता हूँ, इसके अलावा मैं हर्ष भाई को भी इन BGMI के अंदर मिला, एंड इसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। एम गॉड को भी BGMI में मिला, संत को भी BGMI में मिला, फोर किंग इनको तो मैं जानता नहीं हूँ, KD को, सब नीचे जितने बंदे ना सबको मैं BGMI में सबसे मिला। कोई पहले से मेरा फ्रेंड नहीं था, एंड सभी ने एकदम से पॉपुलैरिटीज़ दी, फ्रेंड बने, तो मतलब मैंने उनसे बात करी। और जो बंदा बोलता है ना फेक पॉपुलैरिटीज़, ये दिख रही है रीसेंट, दिख रही है हर सेकंड और सेकंड, ये होती है रियल, फेक नहीं होती। इसे कौन बोलता है फेक, हर सेकंड जो आती है रीसेंट में, देखो 15 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, ये सब आती है ना, सब आपका प्यार है गाइस। और इससे लोगों की बहुत ज़्यादा जल रही है अभी, तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो यार कंट्रोवर्सी करके कोई फ़ायदा नहीं इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों के कुत्तों की दम जैसे होते हैं, कभी सीधी हो ही नहीं सकती। देखो अभी फिर आई थोड़ा देर में, दिल से थैंक यू गाइस, आप सभी का प्यार इतना ऊपर लाया, दिल से थैंक यू गाइस। एंड बस प्यार बनाए रखना, कल मैं बात करता हूँ, आईडी अनबैन होती है तो अपना मज़े करते हैं फिर से। दिल से थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड थैंक यू आर प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। बस इतना ही बोलूँगा, हेट करके ऊपर नहीं जाना मेरे को, अगर इतना होता ना तो बहुत पहले पहुँच गया था ऊपर। पर कोशिश पूरी है कि मैं अपने लेजिट कंटेंट से जाऊंगा, मैं हेट करके नहीं जाऊंगा किसी को। लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर लेना गाइस, कल नई गेम प्लेज आएंगे यार, बाय बाय गाइस।